केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव अने दर्शना जरदोशे सूरत कड़ोदरा रोड ना अंत्रोली गाम नजीक चाली रहेली बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन की कामगिरी नु स्थल निरीक्षण कर्यु हतु। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी ना ग्रीन प्रोजेक्ट गणाता बुलेट ट्रेन की कामगिरी सूरत जिल्ला मा पूर जोश मा चाली रही छे। आ कामगिरी नु केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव अने दर्शना जरदोशे निरीक्षण कर्यु छे अने तेओए आगामी 2026 सुधी मा सूरत थी बिलिमोरा सुधी बुलेट ट्रेन शुरू करवामां आवशे तेम पण जणाव्युं हतुं। अहमदाबाद से मुंबई के बीच में बुलेट ट्रेन जो बन रही है, आज उसका इंस्पेक्शन कर रहे हैं हम लोग। बहुत ही अच्छी प्रगति है, बहुत ही तेज स्पीड से काम हो रहा है। अब तक 61 किलोमीटर पे पिलर्स कास्ट हो गए करीब करीब 150 किलोमीटर पे एक साथ काम चल रहा है और आप देख रहे हैं किस तरह से अच्छी क्वालिटी का काम है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का विजन है कि देश में अत्याधुनिक अच्छी से अच्छी क्वालिटी की बेस्ट सर्विसेज जो मिले, उन सर्विसेज में रेलवे स्टेशंस का रीडेवलपमेंट, नई तरह की वंदे भारत ट्रेन्स, कवच, बुलेट, इस तरह की जो आप सबकी जनरेशन, यंगर जनरेशन का जो एस्पिरेशन है, देश का जो एस्पिरेशन है, 130 करोड़ भारतीयों का जो एक विजन है, उसको पूरा करने में लगे हम सब। ये रेलवे स्टेशन कब तक पूरा हो जाएगा सर? सूरत रेलवे 2026 में सूरत से बिलिमोरा के बीच में पहली बुलेट चलाने का टारगेट लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छी प्रगति है और पूरा विश्वास है कि उस समय में हम लोग चला लेंगे इसे। धन्यवाद। गुजरात ना पनोता पुत्र अने भारत ना वडाप्रधान एवा नरेंद्र मोदी जी नू स्वप्न छे के बुलेट ट्रेन सूरत थी शुरू थाय अने ते शुरुआत थई गई छे। अहीं खूब झड़पभेर कामगिरी चालू थई गई छे। बुलेट ट्रेन की कामगिरी निहाळवा माटे आजे रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव साथे दर्शनाबेन जरदोष पण आव्या हता अने अहीं आ कामगिरी निहाळी तेओ खूब प्रभावित थया हता। એ પ્રભાવિતની સાથે સાથે તેમણે સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો કે આ કામગીરી ખૂબ જ ઝડપથી ચાલી રહી છે। આ અંતરોલી રેલવે સ્ટેશન બુલેટ ટ્રેનનું એટલું અત્યાધુનિક છે કે ત્યાં નાનામાં નાની સુવિધાઓ પણ અહીં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવશે। ખાસ કરીને સુરત એ ડાયમંડ હબ છે, જેથી કરી ખૂબ સરસ સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ થશે। અને આજે તેઓ જાહેરાત કરતાં કહ્યું હતું કે પહેલી બુલેટ ટ્રેન 2026માં સુરતથી બિલીમોરા સુધીની શરૂ થશે। રમેશ ખંભાતી, ઇન ન્યૂઝ, અંત્રોલી।